आरसीबी की धमाकेदार जीत, क्वालिफाई टू में पहुंची बैंगलोर, लखनऊ को 14 रनों से हराया। केएल राहुल की पारी नहीं आई काम, तो क्या फिर खबर दोस्तों, जाने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंचने से आरसीबी की टीम एक कदम दूर है। लखनऊ के खिलाफ खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में टीम ने 14 रनों से जीत लिया। कप्तान केएल राहुल के 89 रनों की पारी भी लखनऊ को जीत नहीं दिला पाई। लखनऊ इस हार के साथ ही आईपीएल से बाहर हो गई है। मैच के हीरो रजत पाटीदार रहे, उन्होंने 54 गेंदों पर 114 रन बनाए। बेंगलुरु के लिए हर्षद पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवरों में 25 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। अब आरसीबी दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स के 27 मई को भिड़ेगी। लखनऊ के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिको का बल्ला आरसीबी के खिलाफ अहम मुकाबले में नहीं चला। उनको मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में सिर्फ 6 रनों पर आउट कर दिया। वहीं मनन वोहरा मैच में शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन वो भी इस बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। 11 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए। वोहरा का विकेट हेजलवुड ने लिया। आरसीबी के युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार ने लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 54 गेंदों पर 112 रन बना दिए। उनके बल्ले से 12 चौके और 7 छक्के निकले। जबकि कार्तिक ने भी मैच में धुआंधार पारी खेलते हुए सिर्फ 23 गेंदों पर 37 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का निकला। सो दोस्तों, धमाकेदार मुकाबले में आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया है और आईपीएल 2022 के क्वालिफाई टू में प्रवेश कर लिया है, जिसका मुकाबला अब राजस्थान रॉयल्स से होना है। आपके अनुसार वह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और आईपीएल की इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।